Hey guys, welcome back to my channel. Today I've created this look right here which is inspired by Zoya, or also known as Jennifer Winget, and this look is inspired by her latest TV show, that is. So if you want to know how I got this look, then please keep on watching, and also make sure you subscribe to my channel and press the notification bell icon so that you never miss any video of mine. तो अपने फेस को मॉइस्चराइज करने के बाद मैं अपने फेस पर प्राइमर अप्लाई करूंगी, और इसके लिए मैं एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ ऑन माई टी जोन एंड जहाँ पर भी मुझको पोर्स का इशू है। इसको मैं पैटिंग मोशन में लगाऊंगी। और फाउंडेशन के लिए आज मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का फ्लोरिना फाउंडेशन, और इसमें मेरा शेड है सैफ्रन ग्लो। इसे मैं एक ब्रश की हेल्प से, बफिंग ब्रश की हेल्प से अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। And of course you can use your fingers or a damp beauty blender. इस लुक के लिए मैं बहुत ही नेचुरल और sheer फिनिश रख रही हूँ, फाउंडेशन की ज़्यादा अप्लाई नहीं करूँगी। एंड फॉर माई कंसीलर मैं यूज़ कर रही हूँ ADS का पैन स्टिक कंसीलर, और इसको मैं अपने जनरल एरियाज, अंडर आइज, नोज, फोरहेड एंड चिन पर अप्लाई करूँगी, और जहाँ पर भी मुझको स्पॉट्स या फिर डार्क पैचेस की प्रॉब्लम है। और इसको अब मैं सेम बफिंग ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। अपने अंडर आई एरिया को मैं फिंगर्स की हेल्प से ब्लेंड करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, बिकॉज़ इससे ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता आपके अंडर आई एरिया पर, और ये बहुत ईजिली ब्लेंड भी हो जाता है। और अब ये मैट हाइलाइटिंग शेड लेकर एसपा कलर्स पैलेट में से मैं अपने अंडर आई एरिया और जहाँ पर भी मैंने कंसीलर अप्लाई करा था वहाँ पर अच्छे से सेट करूँगी। अपने आई मेकअप के लिए मैं सेम पैलेट में से ये वार्म ब्राउन शेड लेकर अपने क्रीज एरिया पर प्लेस करूँगी। इस लुक के लिए बहुत ज़्यादा आपको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है अपनी आइज़, जस्ट आपको क्रीज लाइन पर प्लेस करना है कलर, और इसके लिए आप कोई सा भी न्यूट्रल वार्म ब्राउन कलर यूज़ कर। एंड नाउ आई एम टेकिंग दिस शेड स्टबर्न फ्रॉम द ADS न्यूड ट्यूड पैलेट, और इसको मैं अपने 1/3 लिड एरिया पर लगाऊंगी और अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी एक बफिंग ब्रश की हेल्प से। इससे मेरी आइज़ एकदम से ओपन अप हो जाएंगी। नेक्स्ट लैक्मे का आइकॉनिक काजल लेकर मैं अपने अपर लैश लाइन पर लगाऊंगी, और इसे अपने अपर टाइट लाइन पर भी, यानी कि वाटर लाइन पर भी अप्लाई करूँगी, एज़ यू कैन सी। और इसे आपको फिर स्मच करना है हल्का सा, बहुत ज़्यादा टोटली स्मच नहीं करना है, बट थोड़ा सा आपको इसको ब्लर यानी कि स्मच करना है विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश, या फिर आप अपनी फिंगर्स की हेल्प से भी कर सकते हो। जस्ट मेक श्योर आपका जो लाइनर है वो बिल्कुल भी हार्श नहीं लगना चाहिए। और सेम काजल को मैं अपने लोअर लैश लाइन पर भी लगाऊंगी, और इसकी इंटेंसिटी आपको अच्छी खासी रखनी है, यानी कि आपको काफ़ी बोल्ड काजल लगाना है यहाँ पर, बट आपको सेम ब्रश की हेल्प से या फिर फिंगर की हेल्प से इसको भी ब्लेंड करना, स्मच करना है। और अपने आई मेकअप को कंप्लीट करने के लिए मैं लैक्मे का परफेक्ट रेडियंस मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। और अब अपने फेस को कॉन्टूर करने के लिए मैं सेम पैलेट यूज़ कर रही हूँ जिससे हमने आई शेडो अप्लाई करा था, एंड ऑफ कोर्स a little bit contour on my jawline because Jennifer Winget is just beautifully sculpted. एक small pencil brush की हेल्प से मैं अपनी nose को भी contour करूँगी because today we have to. Don't worry अगर अब ये थोड़ा सा harsh लग रहा है because इसको हम एक small blending brush की हेल्प से अच्छे से blend कर लेंगे to get a chiseled nose. And like always, मैं यूज़ करूँगी ये beautiful pink shade for my blush from Sivanna Colors Ultra Blush Palette, और इसे मैं अपनी cheeks पर apply करूँगी to get a nice tint, and of course highlighter जो कि same palette में से है, और इसको मैं अपने highest points of my cheeks, nose, chin, cupid's bow पर apply कर। एंड टू कम्प्लीट माई लुक मैं यूज़ कर रही हूँ MN Generation 2 की ये लिक्विड लिपस्टिक which is in the shade 20, and to get the perfect shade मैं ये brown lipstick थोड़ी सी pat down करूँगी अपने lips पर। So guys, this was my today's video. I hope it was helpful, and I'll see you in my next video. Till then, stay blessed.